आप देख रहे हैं खबरों तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मुल्क में इस वक्त बदतरीन सियासी महाजाराई का माहौल है। हुकूमत इख्तदार बचाने और अपोजिशन इख्तदार छीनने की जंग में मसरूफ है। दूसरी तरफ मुल्क की मईशत का दिवालिया निकल रहा है। इख्तदार की खींचतानी मईशत की किश्ती को डुबो रही है और ये कौमी सलामती के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। आज डॉलर इंटर बैंक में 180 रुपए के करीब पहुंच गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर अब दस्तयाब नहीं है, और अगर दस्तयाब भी होता है तो वो 185, 187, 190 रुपए तक मिलता है। वैसे तो मिलता ही नहीं है। एनर्जी सेक्टर का बुरा हाल है। हमारे गर्दिशी कर्जे 2600 अरब रुपए के करीब पहुंच चुके हैं। पिछले महीने हमारा तजारती खसारा 3 अरब डॉलर रहा और इस माली साल के 8 माह के दौरान ये 32 अरब डॉलर हो गया है। इस तरह 7 माह में करंट अकाउंट खसारा 11.5 अरब डॉलर से भी तजावुज कर चुका है। पाकिस्तान पर इस वक्त कर्जों की मद में 51,724 अरब रुपयों का बोझ है। अवाम महंगाई से बिलबिला रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं। पिछले माह भी मुल्क में महंगाई की शरह 12.2% रही और आने वाले चंद हफ्तों में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई छप्पर फाड़ देगी। रूस यूक्रेन जंग के माहौल में पेट्रोल, पाम ऑयल, कोयले के अलावा कमोडिटी की कीमतें में कोई कमी नहीं आ रही। फिर IMF को कौन और कैसे समझाएगा? इस वक्त पाकिस्तान और IMF के स्टाफ लेवल मुजाकरात में भी कशीदा सियासी माहौल की वजह से पेशरफ नहीं हो पा रही है। पिछले महीने पाकिस्तान को 11 माह बाद IMF से 1 अरब डॉलर की किस्त मिली थी, लेकिन साथ ही IMF ने गैस बिजली की कीमतों और इनकम टैक्स में मजीद इजाफे और पेट्रोलियम मसनियात महंगी करने का मुतालबा किया था। हमने देखा है कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और डीजल 10 रुपये लीटर सस्ता कर दिया, बिजली 5 रुपये यूनिट सस्ती कर दी। इसके साथ सनअतकारों के लिए एमनेस्टी स्कीम, किसानों, नौजवानों के लिए कर्जों का ऐलान किया। पेट्रोल, डीजल और बिजली सस्ते करने की बुनियाद हुकूमत ने टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करना बताई, मगर आम ख्याल यही है कि वज़ीर आज़म को अपोजिशन के दबाव में ये सियासी फैसले करने पड़े, जो किसी सूरत में भी पाकिस्तान की मईशत के लिए मददगार नहीं होंगे। अब IMF से मुज़ाकरात में पाकिस्तान को की मुश्किलात हो सकती हैं। मुल्क में मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल ने पाकिस्तान को बिजनेस कम्यूनिटी को भी इस वक्त पाकिस्तान की बिजनेस कम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। आई थिंक एक ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान माशाल्लाह एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की रिमिटेंसेस बेहतर हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत इम्प्रूव कर गई है, ऐसे सिचुएशन में ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये पाकिस्तान के जो अहदाफ हैं इस नेक्स्ट बजट 30 जून तक, उसको बुरी तरह मुतासिर करेंगे। और फिर जैसा कि आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया में जो फ्रेट इंडस्ट्री में लॉजिस्टिक्स, पूरी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टॉर्ट हुई हुई है पहले ही, और पाकिस्तान भी सफर कर रहा है और एक क्राइसिस जैसी सिचुएशन बन रही है। ऐसी सिचुएशन में जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो मूवमेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कुछ अरसे के लिए आप रेफर करें। जो इस वक्त सियासी अनस्टेबिलिटी है जिसे हम कह रहे हैं, उसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और जो मौजूदा लोकल इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है, जो टेक्सटाइल की सूरत हाल है, उसमें ये पोजीशन है कि कल को क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट आज है, गवर्नमेंट नहीं है, सुबह ये जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज अनाउंस की हुई हैं, जो गैस और बिजली की सब्सिडी है ये कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो 5 साल से टेक्सटाइल पॉलिसी पेंडिंग थी वो अप्रूव किया है, SME पॉलिसी अप्रूव किया, और जो इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव पैकेज दिया है ये अपना कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। इस वजह से काफ़ी अनस्टेबिलिटी गवर्नमेंट की जो इस वक्त पोजिशन है उसमें कारोबारी तबकों में पाई जा रही है, और बड़ी बेचैनी की सूरत हाल है कि कारोबार का आगे क्या फ्यूचर होगा, आने वाली गवर्नमेंट इन पॉलिसीज़ को जारी रखेगी या नहीं रखेगी, हमारी एक्सपोर्ट के आर्डर उस तरह रहेंगे या नहीं रहेंगे, जो पोजीशन है वो क्लियर हो ताकि हम अपने अगले जो ऑर्डर्स हैं उनको ले सकें। पहली बात ये है कि अगर गवर्नमेंट अब हमारी इस वक्त जाती है तो सबसे बड़ा इफेक्ट हमारी करेंसी पर आएगा, और हमारे अंदाजे के मुताबिक 10% तक पाकिस्तानी करेंसी डिप्रिशिएट हो सकती है। और इसके अलावा जो दूसरा अहम मसला है वो ये है कि गवर्नमेंट ने इस टाइम जो पॉलिसियां बनाई हैं वो पॉलिसियों को भी जब नई गवर्नमेंट आएगी या नई रिजीम आएगी उससे भी उनका बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो हम लोगों ने ऑलरेडी काम स्टार्ट किए हुए हैं उस पर भी उनका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे बाहर से
सरमाकारी के लिए लोग आ रहे हैं, उनका भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है हमारी वो भी काफ़ी हद तक जो है ना डैमेज हो जाएगी। तो आप इन्वेस्टमेंट जो है वो हुए और उसके अंदर जो इस किस्म के मसाइल हैं बिजली गैस और ख़ास तौर पर सूबे सिंध में इस वक्त और बलूचिस्तान में गैस की इंतहाई शदीद किल्लत है, तो उनकी पॉलिसी बनने के बजाय गवर्नमेंट इस वक्त फायर फाइटिंग में लगी हुई है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। और इस वक्त कितनी फैक्ट्रियां जो है वो तैयार होकर प्रोजेक्ट खड़े हुए हैं और दो दो तीन तीन महीने हो गए हैं वो पॉलिसी डिसीजंस का इंतजार कर रहे हैं कि ये जैसे ही हों तो वो फैक्ट्रियां चालू हों और एक्सपोर्ट में जो है वो मजीद इजाफा हो। मेरे ख्याल में जो इस वक्त टेक्सटाइल को सबसे बड़ा फेस करना पड़ रहा है वो ये एनर्जी क्राइसिस और जो स्पेशली इन साउदर्न जोन, और दूसरा ये कि जो जो टैरिफ वगैरह हैं वो सारे अभी तक गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं मिला कि वो उसको सेट कर सके और इस फायर फाइटिंग में लगी है। जाहिर है कि मुश्किल सूरत हाल है और मुश्किल से मुश्किल तर होगी। एक जानब तो ये माशी मसाइल हैं, दूसरी जानब हुकूमत के पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, और इस वक्त पूरी तवज्जो पूरी हुकूमत की पूरी काबीना की इस वक्त इन सियासी मसाइल के हवाले से। वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास नहीं मुनाकिद किया है पिछले कई हफ्तों से, और यही वजह है कि जो कि इस मुश्किल सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बनाएगी। इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के नामवर सीनियर माहिर मईशत और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस वक्त एक तो वैसे ही मईशत हमारी इम्तहानी सूरत हाल से गुजरी है, आलमी सतह पर कीमतें पेट्रोल की और पेट्रोलियम मसनूआत की बेपनाह बढ़ रही हैं, कमोडिटीज़ की बढ़ रही हैं। IMF का प्रोग्राम हमारा है वो हम उसका इस वक्त उस प्रोग्राम चल रहा है, इस वक्त तो रिव्यू हो रहा है, बातचीत हमारी हो रही है, और फिर हम एक सियासी कशमकश में फंसे हुए हैं। बेपनाह इस वक्त सियासी महाजाराई की कैफियत है मुल्क में, और रियासत की सारी तवज्जो जो हुकूमत है उसकी सारी तवज्जो जो है वो सिर्फ ये फायर फाइटिंग की तरफ है। मईशत को तो बेपनाह नुकसान होगा ना इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो जंग का आगाज़ हुआ था रशिया और यूक्रेन का, उसके फौरन बाद तेल की कीमतों में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ था, $130 फी बैरल तक पहुंच गए थे। अल्लाह का फजल है कि अब वो गिर गिरा के $100 पे आ गए हैं, तो इसके नतीजे में हमारे दरामदाद में इतना इजाफा नहीं होना चाहिए। अलबत्ता दूसरी कीमतों में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है, आपके गंदम की कीमत है उसमें इजाफा है, आपके हमारा जो हम पाम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं उसमें भी इजाफा है, तो अलबत्ता आपके दरामदाद में कुछ इजाफा नज़र आता रहेगा। इसके नतीजे में जो हमारा तिजारती खसारा जिसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, जो पहले 7 महीने में 11.6 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, और फरवरी के महीने में ख़ास तौर पे अब हम ये देखना है कि वो किस लेवल पे है। अगर उसमें कुछ कमी आती है तो फिर हालात कुछ संभलेंगे, मगर अगर कोई ख़ास कमी नहीं आती है और अंदाज़ा इस बात से हो रहा है कि चूँकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स में कमी नज़र आ रही है हर हफ्ते, तो ये परेशान कुन सी बात है। अलबत्ता अफरात ज़र के मामले में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिलीफ पैकेज दिया है, उन्होंने ये कोशिश की है कि जो बाहर की कीमतों में कुछ इजाफा हो रहा है ख़ास तौर पे तेल और बिजली में, उसमें इजाफा ना हो। इसके नतीजे में हमारा अंदाज़ा यह है कि मार्च के महीने में इंशाल्लाह हमारी जो रफ्तार है अफराती ज़र की वो 10% से कुछ कम हो सकती है, मगर इसके नतीजे में बजट का खसारा बढ़ सकता है और उसके नतीजे में फिर कुछ परेशानी हो सकती है। आखिरी बात ये कहूँगा इस सिलसिले में कि IMF का 7वां रिव्यू जारी है, और लग ये रहा है कि IMF 6ठे रिव्यू में भी हमारे साथ बड़ी सख्ती दिखाई थी, लगता यह है कि उसी तरह की सख्ती वो 7वें रिव्यू में भी दिखा रहे हैं, तो इस वक्त अंदाज़ा नहीं है कि इसका नतीजा क्या होगा। आपने तशवीश के पहलुओं की आगाही की, और फिर इसके अलावा इस बात की भी गुफ्तगू में मुझे झलक नज़र आई कि मजमू सूरत हाल काबू से बाहर नहीं है, कम अज़ कम जाहिर है कि तकलीफ़ें चैलेंजेस बेपनाह हैं लेकिन काबू से बाहर नहीं है, मगर ये सारा सूरत हाल तो मैनेज होती बेहतर तरीके से चलती ना जिस मुल्क में
एक सियासी टकराव ना हो, और एक जमहूरियत है, सियासी इस तरह के मामलात, मगर ये तो बहुत ही मेक और ब्रेक सिचुएशन है। हुकूमत अपनी बका की जंग लड़ रही है, अपोजिशन इख्तदार हासिल करने की जंग लड़ रही है, और उसमें मईशत की ये सूरत हाल है, इसके तो असरात होंगे ना डॉक्टर साहब? इसके असरात आम तौर पे दो चीज़ों पर ख़ास तौर पे होते हैं। एक तो चूँकि तजारती खसारा पहले से ही ज़्यादा है और हमारे रुपए की कदर में कमी आ रही है, अब तो आपने देखा कि ये 179 रुपीस फी डॉलर से भी नीचे गिर चुका है आज, तो उसके नतीजे में आप ये देखेंगे कि मार्केट में अनसर्टनिटी फैल रही है। हमारा स्टॉक मार्केट एक दिन बहुत गिरता है, दूसरे दिन कुछ बढ़ जाता है, मगर अलबत्ता पिछले कोई दो हफ्तों में कुछ कमी ज़रूर आई है और रुपए की कदर में तो वाज़े तौर पर कमी आई है। और अगर अनसर्टनिटी का सिलसिला जारी रहता है तो मार्केट्स में परेशानी का रुझान रहेगा और हो सकता है कि हमारे रुपए की कदर में कुछ और कमी आए और मार्केट में कोई ख़ास इजाफा आने वाले दिनों में नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, क्या महसूस करते हैं वज़ीर आज़म ने जो इकदामात किए हैं उन इकदामात के नतीजे में, जो कि बिजली की कीमतें कम की थी, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें कम की थी, फिर उसके अलावा कई दूसरे इकदामात किए थे, फिर आपने जिक्र किया कि इसकी वजह से IMF, क्योंकि अभी रिव्यू हमारा सातवां चल रहा है, सख्ती आ सकती है या इस प्रोग्राम पर असर आए, तो उसके लिए तो हमारे पास कंटिनजेंसी होनी चाहिए ना, क्योंकि ये फिर एक मुश्किल सूरत हाल होगी, बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। और फिर मैं कहूँगा कि अंदर मईशत की ये सूरत हाल है, IMF का ये चैलेंज है, और फिर सामने एक बहुत ही सियासी तौर पे बहुत ही एक अदम इस्तेहकाम है मुल्क के अंदर, तो इसके लिए हमें कंटिनजेंसी तो बना के रखनी चाहिए ना, कि कल खुदा नखास्ता IMF की तरफ से कोई बहुत ही मनफी रद्दमल आए तो हम उसके लिए तैयार रहें। देखिए, इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं कि IMF आपसे कहेगा जो हम पर जो बोझ पड़ रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब के रिलीफ पैकेज का, वो बहुत लग रहा था कि बहुत ज़्यादा होगा जब तेल कीमत $130 तक पहुंच गई थी, मगर अब चूंकि कम है तो हमारा अंदाज़ा ये है कि 4 महीने जिसके लिए उन्होंने कीमतों को कायम रखा है उस दौरान तकरीबन 250 अरब का हमारा रेवेन्यू लॉस है या कुछ सब्सिडीज़ देना पड़ेगा। IMF उस बात पर राज़ी होगा कि या तो आप इनको वापस लें, जो कि नामुनासिब होगा इसलिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हैं, उन्होंने जब एक डिसीशन लिया है तो उस पर कायम रहना चाहिए, मगर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें फौरन से फौरन 250 अरब के प्रपोज़ल लाने पड़ेंगे। जो पर्सनल इनकम टैक्स में जो रिफॉर्म की बात हो रही थी कि बजट से होगा, उसको शायद फौरन हमें इम्प्लीमेंट करना पड़े, जो कि मुनासिब होगा इसलिए कि अमीर तबके की आमदनी में बहुत इजाफा है, गाड़ियों की सेल 60% बढ़ रही है, यानी कि आमदनी में बहुत इजाफा हो रहा है, तो उन पे टैक्स बढ़ाया जा सकता है और दूसरी तरफ कुछ खर्चों में कमी लाएं तो बैलेंस कर लें, तो फिर शायद IMF सातवां रिव्यू अपना कम्प्लीट कर लेगा। एक और तरीके से डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे इस सियासी हालात में कुछ इस्तेहकाम पैदा हो, ये जो एक पूरे मुल्क में इंस्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, फिर ओवरऑल आवाम के अंदर भी एक गैर यकीनी सूरत हाल होती है, सरमायाकार सबसे ज़्यादा परेशान है, कारोबारी हजरात जो हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान है, हमारी पूरी जो बिज़नेस एक्टिविटी है वो एक तरह से स्टॉल्ड है, मार्केट स्टॉल्ड है, अगर ये सूरत हाल बेहतर हो जाए, इस मसले का हल हम ढूँढ लें, कोई एक सोलूशन इसका निकल आए, तो फिर तो ये मसाइल जिसका आप मुसलसल तफसील से आपने बड़ा सैर हासिल जिक्र किया है, उसको तो हम मैनेज कर सकते हैं और बेहतरी की तरफ अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। हमारी जो हुकूमत है उसकी पूरी कोशिश और पूरा रुझान माशी हालात पर होना चाहिए। हमें इस बात का अफसोस है कि सियासी कश्मकश की वजह से जो रुझान माशी हालात को बेहतर करने की तरफ होना चाहिए, शायद उस हद तक इस वक्त वो नहीं हो रहा है और इसके नतीजे में कुछ हालात ख़राब ज़्यादा हो सकते हैं। आपका तिजारती खसारा हो सकता है इस साल $20 अरब तक पहुंच जाए, जो तारीख का सबसे बुलंद लेवल होगा।
दूसरी तरफ आपको कर्जों की वापसी पर तकरीबन कम से कम 13 अरब डॉलर इस साल देने हैं और अगले साल तकरीबन 17 अरब डॉलर। तो जो बाहर से जो पैसों की रिक्वायरमेंट है डॉलर्स की, वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है और ये बहुत परेशान कुन बात है। और अगर IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और जो भी हुकूमत हो उसको ये सोचना है कि इम्पोर्ट यानी कि दरामदात को किस तरह कम करें। वक्त आ गया है कि हमें हो सकता है कि बहुत से आइटम्स पर कोटा लगाना पड़े, जिस तरह श्रीलंका ने लगाया है पिछले दिनों, और इस तरह के सख्त इकदामात लेने पड़ेंगे। स्टेट बैंक ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाए हैं, अलबत्ता रुपए की कदर में आहिस्ता आहिस्ता गिरावट नज़र आ रहा है और हो सकता है आने वाले हफ्तों में सरे सूद में भी वो इजाफा लेकर आ जाएं। बड़ी नवाजिश, डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। कमर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए आज बड़ा उम्दा दिन था, थोड़ी सरप्राइज़ हुई क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट मैच ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान हार जाएगा, मगर ड्रॉ हो गया और पाकिस्तान ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई है। शायकीन ने इंजॉय किया क्रिकेट, और जाहिर है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की इस वक्त बहार है। इसका जिक्र करते हैं छोटे से वाक़े के बाद। सियासी रीगा मश्ती से कहीं दूर पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन क्रिकेट इंजॉय कर रहे हैं। उस अंदाज की क्रिकेट, उस लेवल की क्रिकेट जो बहुत तवील अरसे बाद पाकिस्तान देखने में आ रही है। इस वक्त टेस्ट सीरीज़ जारी है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसमें भी उम्दा क्रिकेट देखने को मिल रही है और सेकंड टेस्ट अब इख्तिताम को पहुंचा है। सेकंड टेस्ट के हवाले से क्रिकेट शायकीन के लिए आज कदरे दिलचस्प दिन था, उनको काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुई क्योंकि बज़ाहिर ये लगता था कि इब्तदा में ये सेकंड टेस्ट जो है ये पाकिस्तान हार जाएगा, मगर बहरहाल एंड बेहतर हुआ है उस लिहाज से कि जैसा लग रहा था आज ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। 506 रन का टारगेट था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी टीम 7 विकेटों पर 443 रन बना सकी। पहली इनिंग्स में 148 के स्कोर पर जब टीम आउट हुई थी तो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारेगा, मगर अब पाकिस्तानी बैट्समैन ने शानदार खेल का मुजाहरा किया, ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग का 2 दिन तक डट के मुकाबला किया। हमेशा की तरह पाकिस्तानी बैटिंग के जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान के पिलर हैं यानी बाबर आजम, उन्होंने आज ज़बरदस्त बैटिंग की और 196 रन बनाए। उन्होंने नौजवान बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक के साथ 228 रन और मोहम्मद रिजवान के साथ 115 रन की पार्टनरशिप भी बनाई। खेल के अख्ताम पर बाबर आजम ने अपने खिलाड़ियों की तारीफ की और अगले मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस का अज़्म दोहराया। पाकिस्तान के लिए यह भी बड़ा हौसला अफजा था कि नौजवान बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक ने आज बेहतरीन बैटिंग की और 96 रन बनाए, और दूसरी जानब मोहम्मद रिजवान ने भी करियर की दूसरी टेस्ट सेंचुरी बनाई। इस लिहाज से पाकिस्तान की बैटिंग साइड काफ़ी फॉर्मिडेबल नजर आई। इस टेस्ट मैच में कई अहम रिकॉर्ड्स कायम हुए, इस हवाले से हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्ट सीरीज जारी है, इसका तीसरा और आखिरी टेस्ट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का 21 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी साथ वापस आते हैं। पाकिस्तान का सियासी माहौल इस वक्त कुछ हकाइक और फिर उससे जुड़े हुए तसव्वुराती जोड़ तोड़ अफसानवी ख्वाहिशों और अल्फ लैलवी दास्तानों के गिर्द घूम रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तहदी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कई दिनों से अपनी कीमतें लगा रहे हैं, लेकिन वफाक में 5 सीट्स और पंजाब की 10 नशस्तों के साथ PTI की तहदी काफ लीग ने हुकूमत और अपोजिशन से अपनी ख्वाहिशों का बरमला इजहार कर दिया है। कल हम न्यूज़ को एक इंटरव्यू में चौधरी परवेज़ इलाही एक बार फिर वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने का अरमान अपने लब पे ले आए। उन्होंने दावा किया कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून भी उन्हें वज़ीर-ए-आला बनाने की ऑफ़र दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि परवेज़ इलाही को मुस्तकबिल के इस मुबैना ये मुमकिन सेटअप में नवाज शरीफ की जानिब से आसिफ जरदारी की गारंटी चाहिए। उनका कहना था कि इस गेम में ज़ामिन आसिफ जरदारी होंगे। अगर ऐसा है तो यकीनन इस पेशरफ में सियासत अश कर उठेगी, लेकिन ताज्जुब की बात है कि नवाज शरीफ पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 165 अराकीन को नज़रअंदाज करके 10 नशस्तों वाले काफ लीग के परवेज़ इलाही को वजारत आला सौंप दें और इस बात की जमानत परवेज़ इलाही को आसिफ जरदारी देंगे। अहम सवाल तो ये भी है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज क्या मुँह तकते रह जाएंगे और परवेज़ इलाही वज़ीरे आला पंजाब बन जाएंगे। दरअसल चौधरी परवेज़ इलाही शायद भूल गए कि मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत पंजाब की वजारत आला मुस्लिम लीग काफ को देने पर आमादा नहीं है।
एक और ज़बरदस्त बात जो परवेज इलाही साहब ने कही वो ये कि उन्होंने बल्कि इंकशाफ किया कि ये बात तय हो गई है और आसिफ जरदारी ने उन्हें बताया कि कबल अज वक्त इलेक्शन नहीं होंगे, इसके इम्कान को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इससे पहले तो हम मुस्लिम लीग नून से मुसलसल सुनते रहे थे कि फौरी इलेक्शन होंगे, फौरी इलेक्शन दरकार हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि न सिर्फ ये कि आसिफ जरदारी ने उन्हें यकीन दिलाया है बल्कि पेशकश की है नवाज शरीफ की जानिब से कि पंजाब के वज़ीर आला, बल्कि ये भी कहा कि वो इस पंजाब असम्बली को यकीनी बनाएंगे कि वो अपनी मुद्दत पूरी करे, और ये फैसला 100% हो चुका है कि पंजाब असम्बली भी अपनी मुद्दत पूरी करेगी और मरकजी हुकूमत भी 1.5 साल तक कायम रहेगी। फिलहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस बात पे कोई तबसरा नहीं किया है। बज़ाहिर चौधरी परवेज़ इलाही की ख्वाहिश है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हटाने के बाद 1.5 साल वो वज़ीर आला पंजाब रहें, लेकिन उन्हें शायद ये याद नहीं कि मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम इत्तेहाद की कामयाबी के बाद फौरी इलेक्शन चाहती है, क्योंकि नून लीग की ना वफाक में ना हुकूमत है ना किसी सूबे में हुकूमत है, इसलिए वो फौरी इंतखाबात के हक में है। सेलेक्टेड हुकूमत को आईनी तरीके से हटाकर हम कौम के पास दोबारा जाएं और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए अवाम के वोटों से नुमाइंदा हुकूमत चुनी जाए। अगर इस मुल्क को उन मुश्किलात से निकालना है जिसमें इसको इमरान खान नामी शख्स धकेल चुका है, तो उसका एक ही रास्ता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस अदम एतमाद के बाद कोई हुकूमत बनाने का कोई मकसद कम अज कम मुझे नजर नहीं आता। आपको सीधा एक नए इलेक्शन में और अवाम के मैंडेट हासिल करने के लिए जाना होगा। नून का मौकफ तो यही है अदम एतमाद, उसके फौरी बाद जो है वो फ्री फेयर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। PMLN ये समझ लिया है कि फ्रेश मैंडेट आना चाहिए, 1.25 साल इस हालत में नहीं गुजारा जा सकता, ये मुल्क पैच वर्क से नहीं चल सकता, नया मैंडेट चाहिए। कोई दो राय नहीं है, हमने आपको सुनाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी टॉप लीडरशिप कहती है, एक तो वो समझती है एक मजाक है कि 5 कौमी असम्बली की नशस्तें 10 सूबाई असम्बली की नशस्तें वाली काफ लीग को पंजाब का वज़ीर आला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 165 अराकीन की पंजाब असम्बली वाली मुस्लिम लीग नून बनवा दे। दूसरी चीज़ ये कि अगर अदम इत्मीनान कामयाब हो जाती है तो सूबों में मरकज़ में 1.5 साल तक मौजूदा अपोजिशन की हुकूमत रहे और नून लीग जो है वो इसका हिस्सा रहे। आपने नून लीग की लीडरशिप से सुन लिया कि वो इस इम्कान को भी रद्द कर रही हैं। न जाने परवेज़ इलाही साहब को अगर आसिफ जरदारी साहब ने ये यकीन दहानी कराई है तो उन्होंने ये यकीन दहानी कहाँ से हासिल की। चौधरी परवेज़ इलाही की ख्वाहिशात उनकी ज़बानी मंजर आम पर आने के बाद आज लाहौर की अहम शाहराहों अवकाफ लीग के दफातर के बाहर परवेज़ इलाही के हक़ में बैनर्स और पोस्टर्स लग गए हैं जिन पर यह नारा दर्ज है कि पंजाब की मजबूरी है, परवेज़ इलाही वज़ीर आला ज़रूरी है। अब विफाक और पंजाब में 2-2 वजारतों और पंजाब असम्बली में स्पीकरशिप के बावजूद चौधरी बरदरान की हुकूमत और अपोजीशन से मजीद तवक्कात रखते हैं। कल चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी ख्वाहिशात के साथ PTI हुकूमत की मुश्किलात और कोताहीयों पर भी गुफ्तगू की और उनका कहना था कि PTI इस वक्त सख्ते में है, एक बंदा घबराया हुआ है और फिर रहा है, तमाम मुश्किलात हुकूमत की अपनी पैदा कर दिया है। परवेज़ इलाही ने कहा कि इस तर्ज हुक्मरानी ने सारे लोगों को उनके खिलाफ जमा कर दिया है। काफिले की ख्वाहिशात बताने और हुकूमत के खिलाफ भड़ास निकालने के बाद आज एक नई पेशरफ्त हुई है। एक बयान में चौधरी परवेज़ इलाही ने एतराफ़ किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत अच्छी है। उनका कहना था काफ लीग ने हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है, फिल वक्त उनकी जमात ने ना हुकूमत छोड़ी है और ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है। यह तो है सियासी मंजरनामा या सिनेरियो। इस पर अब इस पूरी सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत का मौकफ़ लेना ज़रूरी है और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे जनाब असद उमर, सेक्रेटरी जनरल PTI, छोटे से वक्फे के बाद। बेशक PTI और इमरान खान हुकूमत अपनी बका की जंग लड़ रही है और इस सिलसिले में आइंदा आने वाले चंद हफ्ते इंतहाई अहम होंगे बल्कि फैसला कुन होंगे, मगर इमरान खान इसके लिए इस वक्त भरपूर अंदाज में फाइट बैक कर रहे हैं, आवाम के पास जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के रोकने के बावजूद तकरीर कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक बड़ा जलसा किया सवात में। ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इनका शिकार करके दिखाऊंगा। इनको सब डर लगा हुआ है कि इनके करप्शन के केसेस तैयार रहे हैं और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। ये कर क्या रहे हैं? इस्लामाबाद में सिंध हाउस है, सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। मैं इलेक्शन कमीशन से भी वैसे आज पूछता हूँ कि ये जो आपके सामने हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या ये आइन के अंदर इजाजत है? इंशाल्लाह एक गेंद से 3 विकेट गिरेगी।
मगर मसला खुद पीटीआई के अंदर है। एक जानब उसके अपने इत्तेहादी उससे शाकी नजर आते हैं या इस कमजोरी की सूरत हाल में इस बज़ाहिर डूबती किश्ती से उतरना चाहते हैं, छलांग लगाना चाहते हैं, या इस कमजोरी की सूरत हाल का फायदा उठाते हुए अपनी कीमत जांचने की कम अज़ कम कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि पीटीआई के खास तौर पर दो बड़े इत्तेहादी जो हैं, खास तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएमएलक्यू, इस वक्त बार बार अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों से बात करते हैं। परवेज़ इलाही साहब क्या चाहते हैं, ये तो हमने आपको वक्फे से कबल बताई दिया। दूसरी जानब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अपने मसाइल, खास तौर पर जहांगीर तरीन ग्रुप, उसके बारे में तो हमें पता ही है कि वो एलानिया इस वक्त जनाब इमरान खान का हिमायती कम अज़ कम नहीं है, गो के इस ग्रुप ने अभी तक पीटीआई छोड़ने का ऐलान या किसी और जमात को ज्वाइन करने का या उसके साथ अपनी हमदर्दियाँ शामिल करने का ऐलान नहीं किया है। ये मुश्किल सूरत हाल है और इसी पस मंज़र में हम सुन रहे हैं कि यकीनन एक पस पर्दा कोशिश हो रही है कि हालात पर काबू पाया जाए, इस हिजानी कैफियत से मुल्क को आज़ाद कराया जाए। इसके लिए भरपूर कोशिश जारी है, बातचीत भी हो रही है और इस सिलसिले में जनाब असद उमर और पीटीआई के कम अज़ कम एक और अहम काबीना के वज़ीर जो हैं वो इस बातचीत में शरीक हैं और कोशिश यही है कि ऐसा फॉर्मूला तय किया जाए जिससे कि अपोजिशन की भी किसी हद तक तसल्ली हो जाए और मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान को और उसकी मीशत को भी बेपनाह जो नुकसान पहुँच सकता है उससे किसी सूरत से पाकिस्तान को बचाया जाए। ये मुश्किल टास्क है मगर बहरहाल इसके लिए काविश जारी है और भरपूर काविश जारी है और इसके लिए आज भी कई घंटे तवील मुलाकात हुई है। पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी वज़ीर प्लानिंग जनाब असद उमर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले बात तो ये कि आपके जो इत्तेहादी है वही आपके काबू में नज़र नहीं आ रहे हैं, सूरत हाल पेचीदा नज़र आती है क्योंकि वो खुल के दो टोक आपकी हिमायत नहीं कर रहे आपके इत्तेहादी। मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ा कंसर्न तो ये होना चाहिए आपका। देखिए इस वक्त कामरान भाई, देखें जाहिर है वो इत्तेहादी हमारे हैं ज़रूर, लेकिन अपनी अपनी सियासी शनाख्त रखते हैं। एक सूरत हाल इस वक्त सियासी पैदा हुई भी है तो वो अपने लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, अपने आपस में तजिए भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी इत्तेहादी ऐसा नहीं है जिसने कोई ये कहा हो कि हुकूमत से उनकी राय जुदा हो गई है। सबके साथ अच्छी मुलाकात हो रही है, हमारे पिछले दो दिन के अंदर भी तकरीबन तमाम इत्तेहादियों के साथ मीटिंग्स भी हुई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें तो कोई ऐसी परेशानी की बात नज़र नहीं आती। मगर बात तो अच्छी करें ना, आपके इत्तेहादी आपके लिए तो बात भी अच्छी नहीं करते। परवेज़ इलाही साहब ने कल जो कुछ किया वो आपके सामने है, बाकी एमक्यूएम की ज़बान भी हम देख रहे हैं। हैं तो आपके इत्तेहादी मगर इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपनी कीमत लगा रहे हैं, जहाँ उनको बेहतर कीमत मिलेगी वहाँ जाएंगे। देखें वो जाहिर है वो कुछ बातें कुछ हम करते हैं जो उनको बहुत पसंद नहीं आती, कुछ वो बातें करते हैं जो हमारे ख्याल में इतनी मुनासिब नहीं है, लेकिन आप पीएमएलक्यू की जो बात कर रहे हैं, आई गेस आप जो कल इंटरव्यू था उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही का आज का आप बयान पढ़ लें, बड़ी वजाहत से और बड़ी उन्होंने गैर मुबहम बात की है, तो आप अगर उसको बयान को पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वो इस वक्त कहाँ पे खड़े। ये तो हो गई इत्तेहादी सूरतेहाल, अंदर की भी पीटीआई की सूरतेहाल इतनी अच्छी नहीं है। जो मुनहरफीन हैं उनके नाम मुसलसल आते रहते हैं, चले अभी उनके नाम एलानिया या उन्होंने खुद इसका इतराफ़ नहीं किया, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप एक हकीकत है वो आपसे नाराज़ है, उसने किसी और जमात को ज्वाइन नहीं किया है। ये जो मुनहरफीन हैं या ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन जो का जो ग्रुप है उसके साथ आपके ताल्लुकात की क्या सिचुएशन है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये कितना आपको साथ देगा इस आजमाइश के मरहले में? जी बिल्कुल, वो तहरीके इंसाफ का हिस्सा हैं, मैंने आज तक कभी उनसे तहरीके इंसाफ के खिलाफ बात नहीं सुनी है। पार्टी के अंदर जो तहफ़ुज़ात होते हैं, लोगों को शिकायात होती हैं, उनका इजहार ज़रूर किया जाता है और इन लोगों ने भी किया है, लेकिन आज तक की सूरत हाल ये है कि ना जहांगीर तरीन ने खुद कभी भी कोई तहरीक इंसाफ के या इमरान खान के खिलाफ बात की है, ना तहरीक इंसाफ और इमरान खान उनके खिलाफ बात करते हैं। हाँ, उनका जिस तरीके से केसेस वगैरह हैंडल किए गए उसके ऊपर तहफ़ुज़ात ज़रूर हैं और बिल्कुल आज तक वो भी तहरीक इंसाफ का पूरा ग्रुप जो है वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, वो अपोजिशन के साथ नहीं है। क्या पीटीआई की लीडरशिप जो है जहांगीर तरीन साहब से रابطے में है, खासतौर पे मौजूदा माहौल के हवाले से कोई बात हुई, कोई रابطہ है, कोई ताल्लुक है? पिछले चंद घंटों का तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन वक्तन फवक्तन वजीर आजम का खुद रابطہ होता रहता है। अभी जब उनकी तबीयत खराब हुई थी लंदन गए थे उसके बाद भी उनके साथ बातचीत हुई थी,
लेकिन अभी बिल्कुल फौरी मैं ये नहीं कह सकता कि पिछले कुछ घंटों में या कुछ एक दो दिन के अंदर कोई बात हुई हो। तो वैसे क्या जहांगीर तरीन की ग्रुप जो है उनका, उनके बारे में आपका क्या अंदाज़ा है? उनकी तरफ से कोई आपको यकीन दहानी कराई कि हम पीटीआई में शामिल हैं, ये पीटीआई का एक बहुत ही आजमाइश है, हम इसमें आपके साथ खड़े होंगे, उनके नंबर्स जो हैं वो अपने नंबर्स के अंदर आप गिन रहे हैं, कहाँ आपके जहन में है इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप? जी अभी जैसे मैंने कहा ना, अभी तक तो तहरीके इंसाफ का ही हिस्सा है, उनके तहरीके इंसाफ में तहफ़ुज़ात तो हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इमरान खान के साथ कोई उनके खिलाफ कोई बात नहीं की है। तो जाहिर है कुछ लोग जो हैं बंद कमरे के अंदर अपने तहफ़ुज़ात का इजहार करते हैं, कुछ बाहर जाकर भी कर देते हैं, लेकिन अभी तक अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिए, मैंने नहीं सुना कोई उनसे कोई ऐसा स्टेटमेंट कि वो तहरीके इंसाफ के खिलाफ हो गए। अच्छा, अब हम आते हैं इस हिजानी कैफियत में जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासी कशमकश की वजह से पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी को इसने मुबतला कर दिया है। लोग बहुत सख्त परेशान हैं, मईशत की एक बड़ी सूरत हाल है, उस पर इतना बड़ा दबाव है, आलमी सूरत हाल अपनी जगह है, बहरहाल इस मसले का कहीं हल तो निकालना पड़ेगा ना, कुछ ले दे के मसले का हल होगा। इतलात यह है कि काविश है, कोशिश है कि इस मसले का हल ढूँढा जाए और वो जारी है, इसमें आप भी शरीक हैं। तो क्या आप लोगों के जहन में, पीटीआई के, आपके इमरान खान साहब के जहन में है कोई फार्मूला जिससे कि अपोजिशन की भी किसी हद तक तसल्ली हो जाए, आपके भी मसाइल जो हैं वो किसी हद तक हल हो जाए और फिर ये गाड़ी आगे चल सके, ये इम्कान है या इसको आप रद्द करेंगे, इस पूरे मसले का मुज़ाकराती हल? देखिए ये तो बिल्कुल कबल अज़ वक्त बात है, इस वक्त तो एक बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक आई भी है, उसमें या किसी को शिकस्त होगी या कामयाबी हासिल होगी, हमारी इस वक्त अपोजिशन के साथ कोई रबता नहीं है, लेकिन उसूली तौर पर हमेशा हमने पहले भी कहा है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है और सियासी अमल के ऊपर यकीन रखती है और जमहूरी अमल के ऊपर यकीन रखती है, तो जमहूरीत के अंदर रहते हुए हमारी जो सोच है वो जमहूरी सोच है, लेकिन जो बुनियादी असूल हैं उसके ऊपर तो बिल्कुल लाइन पहले दिन से खींची हुई है, उस पर ना इमरान खान की कोई फ्लेक्सिबिलिटी है, ना तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर की कोई फ्लेक्सिबिलिटी है। तो जब तक बुनियादी असूल जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, उसके होते हुए बातचीत हम पहले भी कर चुके हैं, इस वक्त कोई रबता नहीं है, कोई अपोजिशन की तरफ से, हम ना हमारी तरफ से उनके साथ कोई रबता है ना उनकी तरफ से हमारे पर कोई रबता है, इस वक्त तो लाइनें खिंची हुई हैं और एक जद्दोजहद है जो जारी है। यकीनन बराह रास्त रबता नहीं है, मगर किसी मसले का हल ढूंढना है तो एक दूसरे के लिए स्पेस बनानी पड़ेगी ना, ये तो नहीं हो सकता कि आप अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें, अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे और फिर इस मसले का हल ढूंढा जाए किसी सूरत से कि जिससे कि 22 करोड़ लोगों को भी सुकून मिले, पाकिस्तान की जो सलामती है वो भी, उस पर भी कोई असर ना आए, मईशत भी चले, मामलात भी चलें, वरना तो ये टकराव जो है इस, ये तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत तबाहकुन होगा ना जी। लेकिन कामरान भाई, ये हमने तो नहीं प्रोसेस स्टार्ट किया था, तहरीक एतमाद हमने तो नहीं आके जमा कराई, करोड़ों रुपए की बोलियां एमएनएस को खरीदने के लिए हमने तो नहीं शुरू किया, अभी तक हमने कोई अगर गैर जमहूरी अमल किया हो तो आप बताइए, लेकिन ये तो हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं हो सकता कि एक जमहूरी तौर पर इलेक्टेड हुकूमत, मुंतखब हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाए और एक ऐसी हुकूमत जिसका लीडर आज भी पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर हो और गिराने की कोशिश भी ऐसे की जाए कि करोड़ों रुपए की बोलियां लगाई जाएं और तो हुकूमत जो है वो तरीके इंसाफ हो, खामोश बैठ के वो तमाशा देखे, वो तो नहीं होगा ना, उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और जवाब दिया जा रहा है और अवामी जवाब दिया जा रहा है, जमहूरी जवाब दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं दिन ब दिन वज़ीर आज़म की मकबूलियत में इजाफा होते देख रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी तादाद में अवाम को निकलते हुए देख रहे हैं, तो ये तो सारा बिल्कुल जमहूरी अमल है और जिसका हमारा हक भी है और जिसको हम पूरी तौर पर इस्तेमाल भी करेंगे। मगर अगर इस मसले का हल ढूंढना है और इस पूरी सूरत हाल का मुल्की मफाद के अंदर हल ढूंढना है और उसके लिए ज़रूरत इस बात की हो कि चले बस मुद्दती इलेक्शन ना कराएं, यानी कि अभी फौरी इलेक्शन ना कराएं जो अपोजिशन चाह रही है, लेकिन क्या आप और इमरान खान और आपके दूसरे साथी कंसिडर कर सकते हैं कि थोड़े अर्ली इलेक्शन हो जाएँ, यानी कि अब इसके लिए मज़ीद पूरे 1.5 साल इंतज़ार ना करना पड़े, अगले 9 महीनों में, 10 महीनों में, साल के अंदर ये इलेक्शन हो जाएँ, इसमें मुज़ायका है कोई या ये आप तस्लीम नहीं कर सकते या गुंजाइश है इस किस्म के अगर सामने आएँ या इससे मसले का हल निकले?
ये बिल्कुल मैं मफरूजे के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। जैसे मैंने कहा कि हम पहले भी ऑपोजिशन के साथ, ये बिल्कुल गलत एक व्यू है कि तरीके साहब किसी से बात ही नहीं करती। हम एक दफ़ा नहीं, हम मुतअद्दद बार जो है वो ऑपोजिशन के साथ बैठ चुके हैं, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं। हमने कई केसेस के अंदर मुतफ़िक़ा तौर पर इत्तफाक़ के राय से कानून साजी भी की हुई है। नैप के केस के अंदर बिल्कुल ब्रेकडाउन हो गया था और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि अगर नैप का लॉ नहीं आप तरमीम करेंगे हमारी पसंद के मुताबिक, जिससे उनके इफेक्टिवली तमाम केसेस ख़त्म हो जाते, तो उन्होंने फिर उसके बाद फाटिफ के कानून की भी खिलाफ वर्जी मुखालफत की। लेकिन हमारे कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, अपने उसूलों के ऊपर रहते हुए, हमने तो कभी भी दरवाजे बंद नहीं किए थे। अच्छा ये बताएं कि एक मामला जिस पे कि सारी दुनिया इमरान खान साहब से कह रही है, आपके लिए कोई अचंभे की बात नहीं है और ना ही कोई ऐसी कारकर्दगी है, और शायद इससे इस पूरे तासुर में जो कि आपके मसाइल हैं इस वक्त खुद हुकूमत के अंदर, उस पर असर पड़े कि उस्मान मुजदार साहब को रुख्सत कर दिया जाए, 3.5 साल जो उनकी कारकर्दगी थी सामने, उनकी जगह जो है एक दूसरा वज़ीर आला आ जाए, और इत्तलात यह है कि इमरान खान बिल आखिर इसको कंसिडर करने के लिए तैयार हो गए हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी और ख़ुद अंदरून रियासत आपके जो मसाइल हैं उनमें बेहतरी आएगी और हालात में बेहतरी आएगी, तो ये इसका इम्कान अब है। देखिए ये तो वज़ीर आज़म का सवाब दीद है, ये मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि बाकी पार्टी के अंदर जो मामलात होते हैं, जो हुकूमत के फैसले होते हैं, तो वो मुशावरत से होने चाहिए, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है काबीना की, और इसलिए मुशावरत होनी चाहिए। और जो वज़ीर आज़म करते हैं, हर हफ्ते काबीना की मीटिंग होती है, तमाम बड़े फैसले हुकूमत के जो हैं वहाँ पर मुशावरत से लिए जाते हैं, लेकिन टीम में किसको खिलाना है, किस पोजीशन में खिलाना है और कब खिलाना है, ये फैसला जो है वो सिर्फ इमरान खान का। और ये मैं उस्मान गुलजार के केस में सिर्फ नहीं कह रहा, जिस दिन मैंने काबीना छोड़ी थी मैंने उस दिन भी यही कहा था। तो ये वज़ीर आज़म का फैसला, ये सवाबदीद वो रखते हैं, अगर जब भी वो चाहेंगे और वो समझेंगे कि बेहतरी है कोई तब्दीली के अंदर, तो वो ये फैसला कर सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए ये बात भी बड़ी तकलीफ देह है असद उमर साहब के, जिस वक्त ये सब कुछ हम देख रहे हैं, ये इंतहाई नापसंदीदा, इंतहाई यानी कि कोफ्त का बाइस है ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं। कब तक हम ये सूरत हाल देखते रहेंगे, और ये इसमें इजाफा होता जा रहा है। इसी दौरान ये खबरें हैं कि 22 तारीख को एक बड़ा अजीम शान बैन अल-अक़वामी इज्तिमा इस्लामाबाद में हो रहा है, 48 मुल्कों के वज़राए खारजा इस्लामी मुल्कों के यहाँ आ रहे हैं, पूरी इस्लामी उम्मा की जो लीडरशिप है वो यहाँ पे मौजूद होगी, और हम इस कैफियत से दो चार हैं, यही कमोबेश दिन रखे हैं कि हम एक जानब ये हो रहा है, दूसरी जानब हम एक बड़े टकराव की जानब बढ़ रहे हैं। कुछ इम्कान है कि इससे पहले, इसके दौरान ये मसले हम हल करें, दुनिया को बताएं कि हम एक मुत्तहिद कौम हैं? देखिए ये अच्छा आपने सवाल किया, सबसे पहले तो मैं आपके ज़रिए सारी कौम को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। एक मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी फतेह हुई है कि वो मुकदमा इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इमरान खान ने लड़ा, अक़वामे मुत्तहिदा के स्टेज से लड़ा, और पाकिस्तान ने फिर उसके अंदर करारदाद पेश की, और उस करारदाद की बुनियाद के ऊपर कल ये फैसला किया गया कि अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ से बैनुल अक़वामी तौर पर हर साल 15 मार्च जो है वो इस्लामोफोबिया की तदारुक का दिन मनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी फतेह है, उसकी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की बात की, वो भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए, 48 ममालिक के इस्लामिक ममालिक यहाँ पर मौजूद होंगे, और ख़ास तौर पे इस पस मंज़र में कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, हमें जदोजहद करके मुतफ़िक़ा तौर पर OIC की सपोर्ट थी इस करारदाद को, तो ये जिस वक्त जमा करा रहे थे अदम एतमाद की तहरीक, तो उस वक्त इनको ये ख्याल नहीं आया था कि ये मुल्क को क्या सूरत हाल होगी कि सारा इस्लामिक दुनिया यहाँ पर खड़ी हुई है और एक सियासी कश्मकश हमने खोल दी है और अदम एतमाद की तहरीक वहाँ पे है और जल्द से जुलूस और ये सारा काम हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा सवाल इनसे नहीं बनता कि बतौर पाकिस्तानी अगर आपको करने का इतना ही शौक था तो यार 2 हफ्ता इंतजार करने के बाद कर लेते, क्या इस 2 हफ्ते के अंदर होने जा रहा था। अफसोसनाक है, जाहिर है उन्होंने अपनी सिर्फ अपनी जात के लिए, अपनी पार्टी के लिए सोचा, मुल्क के लिए नहीं सोचा ये करते हुए। मगर कि इश्तियाल, टकराव, तसादुम, ये तो जो हुकूमत होती है उसको सूट नहीं करता है। ये क्या मंतक है जो 27 मार्च को 10 लाख लोगों को बुलाना, डी चौक पे इतना बड़ा इज्तिमा करना, और अब हम सुन रहे हैं कि PDM भी जो है वो एक बड़े काफ़िले को लेके वहाँ पहुँच रही है, पाकिस्तान भर से कहा जा रहा है कि लोग वहाँ पे पहुँचें। ये तो एक बड़े टकराव का पूरा पूरा मामला है, और ये अभी हमारे पास फॉरेन डिग्निटरीज होंगे या अपने घर भी नहीं पहुँचे होंगे,
कि हम यहाँ पे ये दंगल शुरू कर दें? नहीं, उनका जो जलसा है कामरान भाई, वो उस 25 तारीख को शायद उन्होंने कहा है, उनका जमहूरी हक है, वो ज़रूर आएँ, जलसा करें, चले जाएं। अगर वो आइन के ख़िलाफ़, कानून के ख़िलाफ़ कोई काम करेंगे, ज़ाहिर है कानून उसमें हरकत में आएगा। दबाई अगर वो जलसा करना चाहते हैं, ज़रूर करें, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम किसके साथ खड़े हुए हैं। और मैं आज जो हमने नशिस्त भी की थी सारे पाकिस्तान के कारकुनान को, हमने दावत भी दी है सारे पार्टी MNAs MPs को कि लोगों को मुतहरक करना शुरू कर दे, और इंशाल्लाह ताला एक तारीखी जलसा होगा 27 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया असद उबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्फे के बाद हमें अपोजिशन का रद्द अमल लेना है, और आज हमने दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरी रहमान को, जो हमें ज्वाइन करेंगी छोटे से वक्फे के बाद। मौजूदा तेज़ी से तब्दील होती वाली सूरत हाल पर अब हम बात करेंगे, और इसके लिए अब हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा सेनेटर शरी रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉलिसी साज जो उनकी बॉडी है उसका एक बड़ा अहम हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा। ये बताइएगा कि आज कल बड़ा जिक्र है कल से अब तक परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू का, अभी वो आज उन्होंने दुनिया न्यूज़ से भी बात की है, वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि अपोजिशन ये बात तय कर चुकी है, सबसे बड़ी बात उन्होंने जी की है वो ये कि फौरी इलेक्शन नहीं होंगे सूबों में और मरकज़ में 1.5 साल जो है, अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है तो एक हुकूमत होगी जो कि ऑब्वियसली अपोजिशन की मखलूत हुकूमत होगी, और वह 1.5 साल काम करेगी, फौरी इलेक्शन जो हैं वो कार्ड्स पर नहीं हैं। क्या ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है जो इस वक्त की सिचुएशन है उसकी? देखिए, जो इस वक्त सिचुएशन है कामरान साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, सिचुएशन जाहिर है यही है, जो सबसे अहम बात है और जो सबसे कंफर्म जिसे आप बात कह सकते हैं, फ्लूइड सिचुएशन है, हालात तब्दील होते हैं, लोगों की शराकत राय से सब कुछ तय होता है। जाहिर है हमारे साथ दूसरी पार्टियां भी हैं, और आपने अभी परवेज राइस आपकी बात की, उनके हम सबका सबके व्यू का एहतराम करेंगे और कर रहे हैं, और सबका व्यू साथ लेके पूरी ज्वाइंट ऑपोजिशन चलेगी। अब वो बात ये है, देखिए इस वक्त हम जो सर्टेंटी जिस पर काम कर रहे हैं हम इस वक्त, वो ये है, ये जमीनी हकीकत बन चुकी है कि ये जा रहे हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं, आप जितना टाइम ये निकालने की कोशिश करें जो गैर आइनी और बिल्कुल रूल्स के मुतरादिफ है, मैं नहीं समझ सकती है कितने ये इतना लंबा कैसे खींच सकते हैं। देखिए, लेकिन हाँ, ये तो ये बिल्कुल सही नैरेटिव है अपोजिशन का जो आप फरमा रही हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन इसमें देखें कि परवेज इलाही साहब ने, आपने खुद भी सुन लिया है, वो बिल्कुल कैटेगोरिकल कह रहे हैं कि उन्हें ऑफर ये है, आसिफ जरदारी साहब गारंटर हैं नवाज शरीफ साहब की जानिब से, नून लीग की जानिब से, कि वो पंजाब के वजीर आला हों, और वो 1.5 साल क्योंकि तय ये हो गया है कि हुकूमतें रहेंगी और वो 1.5 साल वजीर आला रहेंगे, और पाकिस्तान में पूरी हुकूमत जो है वो 1.5 साल रहेगी, ये छोटी बात नहीं है। और उसमें जितने वो कैटेगोरिकल बात कर रहे हैं, और आसिफ जरदारी साहब को न सिर्फ वो कोट कर रहे हैं बल्कि उनको इसका जमानती करार दे रहे हैं, ये तो इसके लिए तो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स चाहिए ना जी। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, और मेरा हमेशा किरदार वफाक की सियासत में रहा है। जो भी सूबों में अब तय हो रहा है, जाहिर है जरदारी साहब हैं हमारे बड़े हैं, और शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने जो भी फैसले उन्होंने करने हैं वो हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं जो बड़ी पार्टियां हैं और जो साथ फिर आ भी रहे हैं, उनके फैसले हमारे लिए बिल्कुल काबिल एहतराम है, और वही होगा जो फाइनल इनके फैसले होंगे। मैं इस वक्त ना इस बात की तर्दीद कर सकती हूँ, ना इस बात को की कंफर्म कर सकती हूँ कि ये हुआ ये हुआ। ये बातें आप सिर्फ पंजाब की हद तक ये कह रही हैं या सेंटर की में भी? आप कह रही हैं विफाक में तो आप बराह रास्त हैं, और जाहिर है कि आप कोई बड़ी पॉलिसी बन रही है, कोई हिकमत हो रही है, कोई स्टांस लिया जा रहा है, तो आपके बगैर तो नहीं हो सकता कि मरकज में भी हुकूमत रहेगी या मरकज में फौरी इलेक्शन होंगे या वहाँ भी 1.5 साल बाद जो है फिर नए इलेक्शंस कॉल किए जाएंगे? जी देखिए, हमारी तरजीह इस वक्त खासतौर से पीपल्स पार्टी की, मैं उसी की इस वक्त बात कर सकती हूँ, और फिर हमें भी शराकत राय से चलना आता है, और हमने 116 मेंबर्स के साथ गवर्नमेंट चलाई थी पिछली,
मैम एमएनएस के साथ और बहुत एहसन तरीके से चलाई थी। बड़ी बड़ी तरामीम उस वक्त में आई और अभी तक होल्ड कर रही हैं। आप ये देख लें कि हम चाहते हैं कि जो ये जिस तरह ये निज़ाम आया है, बहुत ही मुतनाज़ा इलेक्शन और मतलब आरओ और दूसरे जो उनके आपने सारा निज़ाम देखा था, इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं कि तेजी से इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, सब इसमें मिल बैठ के एक मच्योर तरीके से जैसे पहले पार्लियामेंट काम करता था उसी तरह करे, और जो हम इलेक्शन की तरामीम लाना चाहते हैं इलेक्शन एक्ट में, वो हम इस मौके में इस पीरियड में लेके आए और फिर इलेक्शन की जाए। ये पीपल्स पार्टी की कंसिडरेट और बहुत मुस्तकिल पोजीशन रही है कि हम ऐसे सिचुएशन में हम हर चीज हमेशा जड़ों से देखना चाहते हैं, फाउंडेशन को ठीक करते चले जाएं और सिस्टम को, जमहूरी सिस्टम को मुस्तहकम करें। ऐसा ना हो कि फिर हम जल्दबाजी करके इलेक्शन कर लें, इस निज़ाम के जरिए तो नहीं हो सकता जी, क्योंकि वो एक फिर से एक मुतनाज़ा सिचुएशन बन जाएगी जी। मगर उससे पहले बहरहाल ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और उसके लिए एक बड़ा एक मजबूत ग्रुप चाहिए। अब जैसे कि आपकी जो पीटीआई के अलाइज हैं उनसे बात हो रही है, एमक्यूएम से भी बात हुई है, उन्होंने भी बड़ा स्पेसिफिकली बताया कि जो उनको लॉफ्टी जो ऑफर्स दी गई हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, उससे आप फेमिलियर है कुछ? देखिए ऑफर्स भी जो हैं वो फेमिलियर हो या ना हो, मेरा इस वक्त मैंडेट नहीं है कि मैं आपके किसी भी प्रोग्राम पे डिस्कस कर सकूं। ऑफर्स इस किस्म के माहौल में जरूर हैं, उनके भी सबके मुतालबात तो होते हैं और ये एक सियासी मतलब इस सियासत का एक हिस्सा है जो आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं, एक प्रोसेस में है, एक अमल के जरिए है, और जब ये जमातें जब भी दे आर मोस्ट वेलकम, जब भी आएंगी अपना अनाउंसमेंट और फैसले करेंगी, तो इंशाल्लाह फिर हम एक ऐसे तरीके से एक सियासी हल निकाल के जो सबको काबिल कबूल हो, एमक्यूएम के हवाले से चलेंगे। एमक्यूएम के हवाले से तो पहले भी हमारे साथ हुकूमत में ये इत्तेहादी रह चुके हैं और सिंध के लिए शायद बेहतरी होगी कि सब अपना मिल बैठ के बजाय एक दूसरे की टांग खींचे चले, अर्बन सिंध भी और सारे सबके लिए बेहतरी होगी। तो ये बातें तो फिर तभी आया होंगी कि क्या किसको हम दे सकते हैं और क्या उनकी डिमांड है। वो अपनी डिमांड तो जाहिर है कुछ जाहिर भी कर चुके हैं और कुछ नहीं, तो हमारी तो हमेशा कोशिश होती है कि जो भी एलाइज हैं, चाहे हम फेडरल गवर्नमेंट में हो या कहीं भी, आपने रिकॉर्ड देखा पीपुल्स पार्टी का, हम सबको अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, किसी को अपने से बड़ा नहीं समझते और हमेशा एक खास तौर से जब कोई भी इक्तदार में फॉर्मूला बने या बैठे तो फिर तो हम सबको कंसेंसस के साथ लेके चलते हैं। फिर मैं आपसे कहूंगी 116 के हाउस में हमने पूरी नेशनल सिक्योरिटी मतलब फ्रेमवर्क बदल दिया, टेररिज्म के खिलाफ आज तक चल रहे हैं आपके अब जाके ऑपरेशंस का या उनके पीछे जो नजरिया है वो थोड़ा चैलेंज हुआ है, मगर रेजोल्यूशंस बने थे जिसके बुनियाद पर पाकिस्तान की तहफ्फुज हुई खारजी और सिक्योरिटी तौर पर। ये बताइएगा कि आपकी बड़ी निगाह रहती है, आप लिखती हैं, आप बोलती हैं, आप एनालिसिस करती हैं इंटरनेशनल इशूज पर, ये पाकिस्तान की एक बड़ा इवेंट हो रहा है ये जो OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है, 48 मुस्लिम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ आ रहे हैं, इसी दौरान जो है वो रिक्विजिशन कर लिया है अपोजिशन ने, जो है वो रेजोल्यूशन मूव किया है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, क्या ये वेट नहीं कर सकती थी कि ये इवेंट गुजर जाए उसके बाद ये अमल शुरू हो, क्योंकि एक इस किस्म की कशमकश, ये इवेंट हो जाता उसके बाद शुरू होता फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर आउट हो जाते, इसको डेफर नहीं किया जा सकता था, ये कोई इसकी कोई इम्पोर्टेंट बात थी। जी ख्वाजा अमूर के वाले से हम एक बहुत बंद गली में वैसे ही धकेल दिए गए हैं, कुछ अपनी इसमें फॉल्ट है, कसूर है, कुछ बाहर के लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है और कुछ हालात का भी जबर है। इस सूरत हाल में देखिए हम कोशिश करेंगे कि ये इवेंट पर कोई कदम ना आए, लेकिन कदम एक सेंस में हमने नहीं डाली। देखिए जब एक मुल्क का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इस तरह की गालम गलोच पर उतर आए और फिर जो इंटरनेशनल स्टेज पे बात करेंगे वो नेशनल स्टेज पर, मैं समझती हूँ हम सब समझते हैं कि वो फिर अपनी साख जो है वहां बैठने की
पाकिस्तान के बिहाव पे बात करने से वो खो चुके हैं। हम फिर भी कुछ नहीं करेंगे कि उस दिन कोई दंगा किया, फसाद किया, हम इस तरह के लोग नहीं है। हमने पीपल्स पार्टी ने तो मार्च निकाला 10 दिन, एक गमला नहीं तोड़ा, और हमने 126 दिन धरना दिया। वो जब आपको याद है चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे तो इन्होंने धरना दिया हुआ था, वो पीछे हटे। हम ये किस्म की हरकत नहीं करते जी। मैं हम पाकिस्तान का मफाद पहले रखना, ये इक्तदार आने जाने चीज होती है जी। हम अगर आए भी तो फिर हमें जरूर जाना भी होगा एक दिन, ये बात हम सबको समझ लेनी चाहिए और हौसले से काम करना चाहिए। इन्होंने अपनी ताक खुद इतनी बुरी तरह मजरूह की है कि शर्म आती है कि बंदा कहे कि जी ये हमारे मुक्तदिर हलकों में से सबसे अव्वल है ये। बहुत बहुत शुक्रिया सैनेटर शरीर रहमान हमारे साथ मौजूद थी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत, अल्लाह हाफिज़। से दुनिया खबर की दुनिया।